हेलो फ्रेंड, मैं हूं संध्या और स्वागत है आपकी मेरी रसोई में। आज हम ढाबे स्टाइल में मसाला पनीर की सब्जी बनाना बताएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं अब मसाला पनीर की सब्जी बनाने। चलिए शुरू करते हैं मसाला पनीर की सब्जी बनाने के लिए। मसाला पनीर बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम के करीब हमने पनीर लिया है और अपने मनपसंद हिसाब से आप हम काट लिए हैं और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी नमक, हल्दी और मिर्च डाल करके छिड़क दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे और इसमें 1 स्पून के करीब हम बेसन डाल करके इसको हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। इसको 2 मिनट बस रोस्ट करना है, उसके बाद हम निकाल लेंगे। अब मैंने बेसन को रोस्ट कर लिया और हमने निकाल लिया। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे। गरम होने दें। अब गरम हो गया है, अब हम जीरा डालेंगे। सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च और ये छोटी इलायची कूट करके हमने ले लिया था और इसको हम डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे ताकि मसाले ना जल जाएं। अब हम 1/2 इंच अदरक कटी हुई और 5-6 लहसुन हमने इसको काट लिया था, इसको भी हम डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने ये 3 प्याज बारीक बिल्कुल काट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और इसको हम सुनहरा होने तक रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करना है प्याज को हमें। अब हम दूसरी साइड में एक फ्राई पैन को रखेंगे, उस पे ऑयल डाल करके हम गरम करेंगे और अब हम इसमें पनीर को डाल करके थोड़ी देर के लिए हम रोस्ट करेंगे। हम एक एक करके सभी पनीर को डाल देंगे और रोस्ट करेंगे। इधर हम प्याज को चलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे इसको चलाना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से भूननी चाहिए तभी ये अच्छा सब्जी बनेगी। इधर हम पनीर को एक बार चला लेते हैं, इसको अभी थोड़ा सा और होने देंगे और पलट देंगे इसको धीरे धीरे। पनीर अब हमारा रोस्ट हो गया है, हम अब गैस को बंद कर देंगे। प्याज भी हमारा अब भून गया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। अभी हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने पील कर लिया था, इसको भी अब हम डाल देंगे। आप चाहें तो प्यूरी बना करके डाल लें, बट ढाबे स्टाइल में हम बना रहे हैं तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा भून गया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च काट के लंबे
रखी थी पीले, इसको भी डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने रोस्ट किया हुआ बेसन भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। इसको 2-3 मिनट तक हम इसी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें 2-3 चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे और इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारे ये सभी मसाले भून गए हैं। अब हम 3 चम्मच के करीब हम इसमें दही डालेंगे, फेटी हुई दही है, और इसको भी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। अब हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। इसको बहुत गीला नहीं बनाना है, ये सूखी ही रहती है तभी ये अच्छी लगती है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। आंच को धीमी रख देंगे। अब हमारे ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गए। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर डाल करके हम अच्छी तरीके से चलाएंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला क्योंकि फिर कम या अधिक हो जाता है, इसलिए हम बाद में ही नमक डालते हैं। आप इसे स्वाद अनुसार नमक डालें। और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक करके फिर से पका दें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर इसको भी डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हमारी ये सब्जी बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमारी ये ढाबे स्टाइल पनीर की सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।